नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। बनारस में अच्छे दिन के इंतजार में बंद हुए पावर लूम, बुनकरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, गोदावरी बाढ़ पीड़ितों के प्रति अन्य सरकार की बेरुखी के खिलाफ वाम पार्टियों का प्रतिरोध, डॉक्टर कफील जैसे मामलों में राज्य पर जुर्माने की जरूरत क्यों, देश भर में आए अब तक के रिकॉर्ड 83,000 से अधिक नए मामले। मंगलवार की सुबह बनारस की गलियों में पावर लूम और हथकरघे की खटर पटर की जगह प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी सुनाई दी। बुनकरों ने गली मोहल्ले चौक चौराहों पर धरना देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इस दौरान पावर लूम और हथकरघा कारखाने पूरी तरह से बंद कर दिए गए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के समाज सेवियों और बुनकरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में ये दावा किया था कि इस महामारी के दौरान प्रभावित हुए बुनकरों का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन काशी समेत प्रदेश भर में मंगलवार 1 सितंबर से जारी बुनकरों की हड़ताल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अगस्त माह में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हजारों परिवारों के लिए मुआवजे और पोलवरम परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की मांगना को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM और इससे संबंधित संगठनों ने आंध्र प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी गोदावरी जिलों में बुधवार 2 सितंबर को कई मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किए। जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, गोदावरी में अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रतिदिन लगभग 22 लाख क्यूसेक बाढ़ का प्रवाह देखा गया। हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले वाम दल के नेताओं ने न्यूज क्लिक को बताया कि बाढ़ के कारण गोदावरी जिलों के 100 गांवों से लगभग 17,000 परिवारों को सुरक्षा के लिए निकाल दिया गया है। हाल ही में 2 उच्च न्यायालयों से 2 ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने कानून और न्याय के सिस्टम से निराश हो रहे लोगों में आशा जगाई। पहला फैसला इलाहाबाद और दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट से। एक ने डॉक्टर कफील को NSA जैसे काले कानून की घेराबंदी से मुक्त कराया और दूसरे ने UAPA के तहत जेल में बंद JNU की शोध छात्रा देवांगना को बेकसूर साबित किया। ऐसे और भी अनेक मामले देश भर से आते रहते हैं और आते रहेंगे। बेकसूर लोगों को सिर्फ पूर्वाग्रह या प्रतिशोधवश जेल में डालने पर अंकुश लगाने के लिए नए कानूनी प्रावधानों की जरूरत का सवाल उठा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। आइए सुनते हैं उन्हें। डॉक्टर कपिल का, गोरखपुर के बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिनको लेकर बहुत सारी कहानियां सामने आई मीडिया में, समाज में, और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी, उन कफील खां को, डॉक्टर कफील खां को कोर्ट ने बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल उनकी जमानत तो बहुत पहले हो गई थी, फरवरी महीने में हो गई थी। 29 जनवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था मुंबई से, और फरवरी में ही उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही उनको जमानत मिली, अभी वो जेल से बाहर आते ही तब उन पर NSA लगा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो बहुत ही ड्रेकोनियन एक कानून है अपने देश में, और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जितने होते हैं, चाहे वो PSA हो, NSA हो, इस तरह के जो कानून है, इनमें आप सब जानते हैं कि जमानत का प्रावधान नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी तरह से रिहाई हो पाती है अगर वाकई न्याय की जो प्रणाली है, न्याय की जो पद्धति है, अगर उसमें कोई बेगुनाह उसमें गिरफ्तार किया गया है और न्याय हो गया, तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसी ही बड़ी बात दोस्तों 1 सितंबर को ही डॉक्टर कफील खां को रिहा किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बेल का कोई प्रावधान उस तरह से नहीं रहा है, तो उनको बेल नहीं मिली है। दरअसल ये पूरी केस जो है, जो NSA जो लगाया गया था, उस केस को एक तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। बेल की कोई अप्लीकेशन भी नहीं थी, कोई याचिका जमानत के लिए दायर नहीं की गई थी। दरअसल ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी उनकी मां की तरफ से, और उस याचिका के की सुनवाई के दरमियान ये सब सामने आया है। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसलिए ये महत्वपूर्ण फैसला है कि माननीय न्यायालय ने, जो डिवीजन बेंच है, उसने ये भी बताया है कि उनके भाषण में जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि वो राष्ट्र के खिलाफ था, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और उससे राष्ट्र की सुरक्षा को, राष्ट्र की एकता को
तनिक भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि जजमेंट में जो काफी बड़ा सा जजमेंट है, उस जजमेंट में उस भाषण को उद्धृत भी किया गया है। तो दोस्तों ये जो फैसला है काफी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको कहा जाता है, उस तरह का ऐतिहासिक फैसला ये साबित होगा भारत की न्यायपालिका में, खासकर ऐसे दौर में जब न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे असमंजस हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, इतने सारे तरह तरह की कंट्रोवर्सीज हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा लगता है कि एक सुबह की जैसे किरण कोई फूटती है और उजाला आता है, ठीक वैसा ही ये फैसला आया है। और दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कल एक फैसला किया जिसमें देवांगना कलिता नाम की एक छात्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पिंजरा तोड़ ग्रुप की जो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का ग्रुप है, वो नताशा नरवाल के साथ, उसको भी यूएपीए में हिरासत में लिया गया था। और देवांगना कलिता को दिल्ली हाई कोर्ट ने कल जमानत दे दी। डॉक्टर कफील खान तो रिहा हो गए, लेकिन देवांगना कलिता को जमानत मिलने के बावजूद और उनको लगभग कोर्ट ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई इविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास, पुलिस को उन्होंने कहा, उनके वकील को कहा, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाई क्योंकि एक केस में अभी भी उन पर प्रोसीडिंग चल रही है, उन पर जमानत नहीं मिल सकी है। और दोस्तों ये केवल केस डॉक्टर कफील खान या देवांगना कलिता से जुड़ा ये केवल नहीं मामला है। अपने देश में इस वक्त अनेक ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार किए जाते हैं, वो अपराधी नहीं होते, वो इस देश के प्रेमी होते हैं, देशभक्त होते हैं, किसी और लोग और पार्टी या और संगठन के लोगों की तरह, लेकिन राजनीतिक कारणों से, बौद्धिक कारणों से, वैचारिक असहमतियों की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरजेंसी में बिल्कुल ऐसे ही होता था, और बल्कि इमरजेंसी में जो होता था उसका तो ये बाप हो गया है। आज का जो दौर है, आज का वक्त उसका बाप है, अगर देहात की भाषा में मैं कहूं। यहां तो यह है कि अगर सत्ता चाहे, खासकर कुछ एक स्टेट्स में, तो वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है, अचानक इस महामारी के दौर में आपको ऐसे जेल में डाल सकती है जहां भयावह स्थिति है। वो अचानक किसी को दिल्ली से पिकअप कर सकती है और कह सकती है कि आप अमुक अमुक जगह चलिए और वहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको पुलिस से पूछताछ के बाद छोड़ा भी जा सकता है। तो ये सब सिलसिला बहुत तेज चल रहा है। तो ऐसे दौर में दोस्तों मैं समझता हूं कि अभी हाल में डॉक्टर कफील और ये जो देवांगना की केस है, इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़के रिलीज हुए हैं जिन पर गलत आरोप लगे थे, झूठे इल्जाम में जिनको हिरासत में लिया गया था। हमने साउथ में देखा, दक्षिण भारत में कई जगहों पर देखा है जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें भी हैं, लोग जबरन हिरासत में लिए जाते हैं और उनको फिर छोड़ना पड़ता है। अपने देश में असंख्य ऐसे मामले हैं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत कभी रही हो या आज बीजेपी की हुकूमत है, ये सिलसिला हमेशा जारी रहा है। आज के दौर में सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कश्मीर को देख लीजिए, आप बेवजह सिर्फ राजनीतिक असहमति के कारण, वैचारिक असहमति के कारण आपने लोगों को बंद रखा है। तो हमारा यह कहना है कि ऐसे मुल्क में हमारे पास एक संविधान है और बहुत ही बेहतरीन संविधान है। आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान की है वो सबको जीवन की रक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देती है, लाइफ और फ्रीडम उनको इंश्योर करती है। हमें लगता है कि आर्टिकल 21 की रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीआरपीसी में हमने देखा कि 358 है, 359 है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के मामलों में कई बार मजिस्ट्रेट जो हैं कंपनसेट करते हैं लोगों को, जो बेकसूर जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है स्टेट द्वारा या पुलिस द्वारा या मशीनरी, कोई भी मशीनरी हो, ऐसे लोगों को जब कोर्ट देखती है कि ये लोग बेगुनाह थे, इनको जबरन गिरफ्तार किया गया बेवजह किसी प्रेजुडिस की वजह से, तो उनको मुआवजा घोषित किया जाता है। दुनिया के और मुल्कों में भी ऐसा है, बहुत बेहतरीन जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, वहां तो हमारे पीएसए जैसा, हमारे एनएसए जैसा कानून भी नहीं है,
और अगर कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो केवल वार सिचुएशन में है, यानी युद्ध की स्थिति में है। अपने यहां तो युद्ध हो या न हो, शांति का माहौल हो, तब भी किसी को अचानक पीएसए में, एनएसए में गिरफ्तार किया जा सकता है। उस एनएसए में जिसके बारे में जनता पार्टी ने वादा किया था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के मौजूद थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म करना है, पता नहीं कैसे बरकरार है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है, इनके तहत जो गिरफ्तारियां होती हैं, क्यों नहीं अपने देश की जो पार्लियामेंट है या अपने देश का जो कानून है, कानून को संभालने वाली जो एजेंसीज हैं, क्यों नहीं पहल करती हैं और एक ऐसा कानून बने पूरे देश के लिए कि जो इस तरह के निर्दोष लोग हैं, अब सुधा भारद्वाज क्या वो क्रिमिनल हो सकती हैं? आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, आप उनकी वैचारिकता से असहमत हो सकते हैं। वरवरा राव कवि, इतने बुजुर्ग आदमी बीमार, क्या वो सत्ता को हटाने के लिए या स्टेट को कोलैप्स कराने के लिए हथियार उठाएंगे? आप उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो गिरफ्तार हैं, उन पर संगीन आरोप हैं और उनको आप इतने ड्रेकोनियन ला के तहत उनको रखा गया है। तो क्यों नहीं इस तरह के मामलों में अगर कोर्ट किसी को बेगुनाह साबित करता है, अगर उनको निर्दोष छोड़ता है, तो उनको क्यों नहीं कंपनसेट किया जाना चाहिए? आपने उनकी पूरी जिंदगी तबाह की, आपने उनकी जो उनका जो सम्मान है, चाहे वो राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, वैचारिक हो, किसी भी तरह का सम्मान जो समाज में है, उसको आपने क्षतिविक्षत किया, उसको आपने एक तरह से डैमेज किया। इसकी भरपाई मुझे लगता है कि होना चाहिए। इससे प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो दुरुपयोग है, जो इस तरह के ड्रेकोनियन लॉज है उनका जो दुरुपयोग है, वह भी रुकेगा और मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों, दो केसेस का उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक रुदल शाह बनाम बिहार स्टेट की केस है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली दफा 1983 का यह लैंडमार्क जजमेंट है, उसने कहा था कि जो इतने समय तक उनको जेल में रखा गया बिल्कुल ही गैर कानूनी, इसलिए उनको मुआवजा दिया जाए, और उन्होंने स्टेट ऑफ बिहार पर मुआवजा इंपोज किया था। माननीय जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, ए एन सेन और अरुण मिश्रा की कोर्ट ने अगस्त 1983 में ये मामला ये किया था, और इसमें आर्टिकल 32 के तहत ये आदेश आया था। दोस्तों, ये जो हमने रुदल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार की बात मैंने की, और भीम सिंह के केस में जो फैसला आया था वो था जस्टिस ओ सी रेड्डी और जस्टिस वी खालिद के समय ये 1986 का लैंडमार्क जजमेंट है। इन दोनों केसेस में, यानी 1983 की केस और 1986 की केस जजमेंट, इन दोनों में मुआवजा घोषित किया गया था। तो दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं कि इस तरह के जो मामले हैं कि राजनीतिक पूर्वाग्रह, वैचारिक दुराग्रह की वजह से अगर किसी इंटेलेक्चुअल की, किसी बुद्धिजीवी की गिरफ्तारी की जाती है, उसको आप फंसाते हैं, अगर कोर्ट उसको बाइज्जत रिहा करता है, तो उसको पूरी तरह कंपनसेट किया जाना चाहिए, पूरी तरह उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे दुरुपयोग के मामले कम होंगे, लोकतांत्रिकता का माहौल मैं समझता हूं कि बनेगा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में अब तक के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 3 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 83,883 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,043 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि इसी बीच कोरोना से पीड़ित 68,554 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है, लेकिन सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 38,53,406 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 77.08% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 29,70,492 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अब तक 67,376 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8,15,538 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 4,55,09,380 सैंपल की जाँच की गई है, जिनमें से 11,72,179 सैंपल की जाँच बीते 24 घंटों में ही हुई है। न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को
और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर, साथ ही साथ हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।